गोवंशीय अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। मुरादाबाद के थाना कटघट क्षेत्र में बड़ी संख्या में गोवंशीय अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय ग्रामीण और कई संगठन से जुड़े लोगों ने पहुंचकर थाना पुलिस के खिलाफ विरोध करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए अवैध भूचड़खानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए नया कानून भी बना दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के कई जनपदों में अवैध कटान की खबरें सामने आ रही हैं। ताजी घटना मुरादाबाद थाना कटघट क्षेत्र के गोट के जंगल में तालाब के किनारे भारी संख्या में गोवंशीय अवशेष पड़े होने की सूचना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आज सुबह गांव के किसान कुबर पाल जब अपने खेत पर गए तो तालाब के पास किनारे पड़े गोवंशीय अवशेष देखकर सहम गए, जिसकी सूचना उन्होंने गाँव के अन्य लोगों को दी। बस फिर क्या था, मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी और कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर कटघर पुलिस भी पहुंच गई और चारों तरफ फैले गोवंशीय अवशेषों को मौके से हटवाकर उनका निस्तारण कराने की प्रक्रिया शुरू करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने पुलिस चौकी को कई बार इसकी शिकायत की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और आज इतनी बड़ी संख्या में अवैध कटान करने वाले आरोपियों ने यहाँ पर गोवंशीय अवशेष फेंक कर इलाके में बवाल पैदा करने की कोशिश की है। नाम आपका? कुमरपाल जी, ना किसका खेत है ये? आपका खेत है, क्या दिक्कत आ रही है आपको खेत पे आने में? जब मैं आता हूँ तो रिकॉर्ड नहीं रही, दो एक जानवर उसमें कटे मिलते हैं, गौ बसी मिलती है और आज भी मैं आया तो 10-15-20-40-50 कम से कम वहाँ पर गाय कटी हुई। तो कैसे पता चला आपको? खून वगैरह लेने के लिए आया खेत पे, तो वहीं पर कटा हुआ खून और तालाब बराबर में वहाँ पर उसमें सब डाल दिया मलबा उसका। तो लगभग कितनी गाय? कम से कम 40-50 गाय लगभग हैं यहाँ पे। तो फिर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं? तब मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया, तब मैंने ये सब कुछ कराया। अच्छा, प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी है? पहले से पता थी थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, पहले से मालूम है। तो खेत पे आना क्यों मन कर दिया आपने? इसीलिए इसमें तमाम बदबू आती है खेत के पास में पहुँचने पर। धमकाते मंगमकाते भी हैं ये लोग ना, जो गाय वगैरह काटते हैं तो धमकाते भी हैं। हम तो ऐसे करेंगे यहाँ पर, हम लोग ऐसे करेंगे। क्या नाम आपका? सतवीर सिंह। सतवीर जी, कौन सी जगह है ये, कौन सा गांव है ये? गोट गांव है। अच्छा, यहाँ पे ये सब पड़े हुए हैं, किस चीज के पड़े हुए हैं यहाँ पे? गायों के सब पड़े हुए हैं, हाथोजरी पड़ी हुई है, सिर पड़ी हुई है। लगभग कितने वो होंगे? कम से कम होंगे 20 जानवर। तो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है क्या? सब आते जाते हैं, कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं हम, हमने थाने भी कंप्लेंट करी है, चौकी पे भी कंप्लेंट करी है कई बार, और सुबह को मोटरसाइकिलों से रोजाना जाते हुए डेली जाते हैं ये। तो गौ कसी यहाँ से, यहाँ गौ कसी हो रही है, ऐसे नहीं हो रही, पता सबको है। फोन नंबर वाले हफ्ता लेते हैं इसमें। तो इस टाइम आप आए तो क्या? पूरी पुलिस चौकी को सबको मालूम है कि यहाँ से रोजाना कसाई यहीं काट के जंगल में और ले जाते हैं, और इसकी कंप्लेंट कई बार कर चुके हैं हमने, 10-76 पे भी हमने कंप्लेंट करी है इसकी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा, कई महीने से चल रहा है। तो इसी तरीके से गौकशी चल रही है? इसी तरीके से गौकशी चलती है यहाँ पे पूरे जंगल में, आज यहाँ तो कल इधर कल उधर, पूरे जंगल में 3-4 किलोमीटर के।